क्या होता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है आज के दिन में. और वर्ल्ड इतना आगे निकल गया है, आज इतनी सारी आप देखो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और कॉम्पिटिशन भी हैं, चैलेंज भी, तो उसमें कैसे सर्वाइव करा. तो उसमें कहीं कहीं लोगों ने शांति खो दी है, परिवार साथ में इकट्ठा बैठ के खाना नहीं खाते तीन लोग. सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com. मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और मेरे साथ हैं जेडी मचड़िया जी. ये जो भाकर वाली शो है सर, मुबारक हो आपको कि एकदम से पब्लिक में पहचान बना ली इसने हर शो की तरह आपके. हाँ, ऐसा है कि शो जो शो की फिलॉसफी बड़ी अच्छी है. हाँ. कि दो कल्चर जो हम एक हम ट्रेडिशन में मानते हैं, ट्रेडिशनल कल्चर हमारा चलता है वो है, और एक जो है कि मॉडर्न समय के साथ बदलना चाहिए. कुछ लोग जैसा होता है उसी को जिंदगी जीने में मानते कि भाई काम एक वक्त तक करना चाहिए, फिर एक से चार दुकान बंद करो, फैमिली के साथ रहो और आराम करो, साथ में खाओ पियो, इकट्ठे रहो, एक परिवार जो वो द जॉइंट फैमिली वो ऐसे में मानता है. हाँ. और एक छोटा सा परिवार है गुजराती का परिवार जो डायनेमिक है, बोलता है समय के साथ नहीं चले तो हमारा कामकाज भी ठप हो जाएगा, और हमारा कामकाज ठप हो गया तो हम फैमिली को भी उतना खुश नहीं रख पाएंगे. और फैमिली में इन मीन तीन है, न्यूक्लियर परिवार और जॉइंट फैमिली. तो हर तरह से ऐसे दो डायनामिक्स को पिच किया है अपोजिट इच अदर, जो आजकल हमारे अंदर भी ये द्वंद्व युद्ध चलता रहता है. right. कि हम बहुत बार सोचते हैं, हमने बहुत फैमिलीज को सुना है कि पहले के ज़माने में जीते थे शांति से. पर क्या वो शांति से अब आगे बढ़ पाते थे? हाँ. आज जितनी अपॉर्चुनिटीज है, मुझे लगता है कभी कभार हमारा देश इसीलिए इतना आगे नहीं बढ़ा है, जो बढ़ने की कैपेसिटी क्षमता रखता है. तो हो सकता है हमारे जो हमारी पिछली जनरेशन थी वो शायद शांति से मेहनत बहुत करते थे, पर क्या होता है स्मार्ट वर्क करना पड़ता है आज के दिन में. और वर्ल्ड इतना आगे निकल गया है, आज इतनी सारी आप देखो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और कंपटीशन भी हैं, चैलेंज भी, तो उसमें कैसे सर्वाइव करा. तो उसमें कहीं कहीं लोगों ने शांति खो दी है, परिवार साथ में इकट्ठा बैठ के खाना नहीं खाते तीन लोग. तो दोनों फिलोसॉफी का जो क्लैश है जो हर परिवार में चलता रहता है, हम खाना खाते हैं बच्चे को देखते हैं बेटा बंद करना लैपटॉप, खाना तो शांति से खा. हाँ. अरे तू इधर मोबाइल पे क्या बैठा है. एक होटल के टेबल पे मैंने बहुत बार देखा है, दो ही लोग होते हैं सामने सामने, दोनों का फोन चलते हुए चैट नहीं कर रहे, कहीं और चल रहा है. कपल, यंग कपल को मैंने देखा है कितने ऐसे रेस्टोरेंट में, दोनों सामने सामने ऐसे एक दूसरे, वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे किसी और से. देन आई सेड व्हाई आर टू, अब दो साथ में. तो एक मॉडर्न ये है और एक होता है कि पूरे परिवार को एक साथ बैठ के खाना खाना, यानी अपनी नौकरी का समय, अपना वो काम छोड़ के, अपनी ये चीज़ छोड़ के, वो करके सबको बैठ के डिसिप्लिन में, नहीं भी सोना होता है तो 10:30 में सो जाना, सवेरे 5 बजे उठना, व्यायाम एक साथ करना, वो कितनी अच्छी बात है. पर वो किसी को सफोकेटिंग भी लगता है, क्योंकि सबको आज अपनी अपनी स्पेस भी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ऐसा हो गया, टेक्नोलॉजी से. तो ये सबका द्वंद्व जो हमारे बीच चलता है वो सबको ह्यूमर में पिरो के आप तक पहुंचाता है भाकरवाड़ी. ओके, ये दो फिलॉसफी, दो सोच लेके एज ए मेकर आपने वाकई इतना सोचते कि यार मैं दो फिलॉसफी मिलाऊंगा, ये कोई कहानी आती है, कोई कॉन्सेप्ट आता नहीं, यार इसमें मजा है. देखो मेरे जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है आतिश कपड़े, उन्होंने कहानी लिखी है, वो है नहीं आज यहाँ पर. पर ये सोच में हम बहुत सारा कुछ कर चुके हैं. आप देखने जाओ तो हमारे कुछ शोज ऐसे रहे हैं, पर वो क्या था ना, या तो एक सोच पूरी ट्रेडिशनल थी, दूसरी मॉडर्न थी, सारा भाई उसी सारा पर खिचड़ी या बाबूर भी. यहाँ पे वो चलते चलते हमने देखा कि समय के साथ बदलाव होता है. तो समय के बदलते हमको भी अपने आप को बदल के कुछ करना था. तो हमको लगा हाँ, इतनी लंबी कहानी करते हैं. हर बार कॉमेडी में क्या होता है, पहले किरदार सेट करते हो, एक प्रीमाइस बनाते हो, फिर अलग अलग एपिसोड, छोटे मोटी कहानियाँ चलती रही. हमने इस बार सोचा कि बहुत टाइम से हमने ऐसा नहीं किया कि स्लाइस ऑफ लाइफ शो करते, जिसकी एक लंबी जर्नी, एक लीनियर जर्नी तय हो. okay. कि इनके दो में नहीं पटता है, एक ऐसा ट्रेडिशनल बंदा, उसके बाजू में एक मॉडर्न बंदा आता है जो मॉडर्न सोच रखता है, वो दोनों के में ऐसा होता है कि भाई न्यूक्लियर फैमिली है तो उसकी लड़की को ये परिवार जॉइंट फैमिली वाला बड़ा परिवार बहुत अच्छा लगता है, ये वाड़ा जैसा एटमोसफियर बहुत अच्छा लगता है. और ये जो मॉडर्न ट्रेडिशनल परिवार है उसमें वो जो लड़का है उसको लगता है कि हाँ यार कब तक ऐसे रहेंगे, कब तक मेरे बच्चों इस एक लिमिटेड इकोनॉमी में हम स्ट्रगल करते रहेंगे, एक साथ जीना, एक साथ खाना पीना अच्छा है पर आगे भी बढ़ना है यार, कुछ करना है. तो उसको सामने वाले की सोच अच्छी लगती है महेंद्र भाई की, तो लड़के को लड़की के बाप की, लड़की को लड़के के फैमिली की अच्छी लगती. okay. अब ये दोनों में प्यार होता है, लोग प्यार होता है, प्यार होके जब एक घर में आएंगे क्या माहौल आएगा. okay. ऐसा मजेदार शो है भाकर. मजेठिया जी, अभी मेरी बात हुई तेजल से, बात हुई अक्षय से, बात हुई, उनका कहना है कि पहला हिंदी सीरियल है उनका और ऑडिशन के थ्रू ही सिलेक्शन हुआ था. तो ऐसे नए लोगों को लेते टाइम आप अच्छा लगता है आपको या डर लगता है या चैलेंज है? मुझे बहुत अच्छा लगता है नए लोगों को लेकर काम करना. हाँ. उनमें टैलेंट होनी चाहिए.
क्या बात है ना कि मैं खुद भी एक ज़माने में नया था, तो मुझे याद है मैंने 70-70 ऑडिशन देता था, तब जाके एक काम होता था, मैं बहुत एंजॉय करता था, वो स्टेज भी बहुत अच्छा था। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि नई टैलेंट टीवी पे, आज तो फिल्मों में भी आने लगी, पहले तो फिल्मों में ऐसा था कि बहुत डिफिकल्ट था कि नए टैलेंट को नहीं, एस्टेब्लिश स्टार्स और फिल्म स्टार्स के बच्चे ज़्यादा, बहुत कम लोगों को मौका मिलता था। तो मैंने हमेशा माना कि फ्रेशनेस जो होती है वो लोगों को अच्छी भी लगती है, अच्छा कर जाओ तो लोग वही नए लोगों को स्टार बना के दिल पे और सिर पे बिठा के राज, यू नो, बिठा के उनको ऐसे रानी राजा की तरह रखते हैं। तो नई टैलेंट को तो टीवी तो ऑलवेज वेलकम करता है। ऊपर से ये जो शो है, जैसे बड़ी भाभी में ट्रेडिशनली हमारे वहाँ एक टिपिकल स्टैम्प है, हमने देखो हमेशा ना प्रोटोटाइप कास्टिंग को तोड़ा है। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि अनंग देसाई जो है वो कॉमेडी करेंगे या राजीव मेहता कॉमेडी करेंगे, प्रफुल्ल जबर है, उसके पहले के रोल हमारे शो में वो विलन थे, नेगेटिव किरदार करते थे, सुप्रिया जी, सुप्रिया पाठक कॉमेडी करी। तो हमने हमेशा प्रोटोटाइप में इन चीज़ों को तोड़ा है। तो जैसे अभी तेजल का कास्टिंग देखो तो लोगों को लगता है कि बड़ी भाभी एकदम वो घर को संभालने वाली है, ऐसी ऐसी ठाउकुल, नहीं क्यों नहीं हो सकती। तो हमने कहानी को भी थोड़ा बदला तेजल के किरदार में, वी सोहर ऑडिशन, ये तेजल बहुत मस्त है, और थोड़ा हमने मोड को, किरदार को भी बदला। तो कभी कभार क्या होता है ना कि हम आर्टिस्ट कलाकार के हिसाब से भी किरदार को थोड़ा बदलते, क्योंकि मुझे लगता है बहुत अच्छी है। ओके, तो दैट इज़ व्हाट आई गिव क्रेडिट, अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू तेजल ऑल्सो। अभिषेक, मुझे जब मैंने उसको देखा था तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये लड़के में बातें मराठी लड़का ही चाहिए था, और सिंपल सा लगना ज़रूरी था कि वो जो एक ज़माने में अमोल पालेकर थे, तो हमको एक सिंपल सा सादगी वाला लड़का चाहिए था। एंड लुकिंग एट अभिषेक ऑडिशन वी फेल्ट दैट गायत्री, कितने सारे किरदारों के बाद हमको लगा कि हाँ अक्षिता, मगर शूटिंग ऑलमोस्ट शुरू हो चुका था जब अक्षिता को, कि बहुत सारी ऑडिशन करने के बाद कोई ऐसी लड़की मिल नहीं रही थी जिसमें एक इनोसेंस भी हो, वो थोड़ी मॉडर्न भी दिखे और ट्रेडिशनल भी हैंडल कर सके चीज़ को, और कलाकार अच्छी हो, राइट। तो सब कुछ, तो सारे आप किसी को भी देखेंगे, आप प्रभाकर के किरदार में जयेश मौर्य को देखोगे, अद्भुत कलाकार है, केशव में आप उसको देखेंगे, तो ये हालांकि केशव तो पहले कर चुका है पर प्रभाकर का पहला बड़ा हिंदी शो है, राइट। एक एक किरदार में देखो हमने बहुत चुन के सही लोगों को लिया। उर्मिला को देखो, उर्मिला जबरदस्त है, भक्ति राठौर गुजराती स्टेज की, हम जानते थे उसको, से एक खिचड़ी में एक दिन का एक किरदार किया था, हमने वहां से उसको याद रखा था, हाँ, और हमने चैनल को बोला भी था कि इन लोगों को आप कास्ट करो, एंड दे आल्सो ट्रस्टेड अस एंड गॉन बाय, और आज रिजल्ट सामने है, पब्लिक पसंद है, थैंक यू, अरे थैंक यू, थैंक यू। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी, भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है।